राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की 29वीं वर्षगांठ 10 जून 2022 को मनाई जाएगी पार्टी के गठन के बाद से पिछले 22 वर्षों में अपने सफर पर हमें बहुत गर्व है इस लंबे समय के दौरान पार्टी केंद्र और राज्य में सत्ता में रही है साथ ही विपक्ष में भी इस मौके पर पार्टी की पिछले 22 साल के इतिहास के सफर को पेश किया जाएगा ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में दी गयी राज्य में महाविकास आघाड़ी सरकार के रूप में जैसे ही लोगों के लिए काम शुरू हुआ कोरोना महामारी का संकट खड़ा हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया एनसीपी के मंत्रियों ने गांव के अंतिम छोर से शहर के हर नागरिक तक इस स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने की जिम्मेदारी ली एनसीपी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए फेस शील्ड सैनिटाइजर मास्क का वितरण समुदाय में जरूरतमंदों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता प्रदान की और कोरोना काल में अपने संरक्षकता खो चुके बच्चों की शिक्षा की लागत के साथ साथ राष्ट्रवादी कल्याण ट्रस्ट द्वारा वहन की गई उनकी जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों और राज्य में विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस का वितरण किया गया एक तो पक्षा की जे वर् एक तो वर्चित है आम्ही उद्या तेवीसव्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहोत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी किती निवडून आले त्याच्याकडे लक्ष न देता जनतेचे कामं किती होतात किती का uh, म्हणजे जनता कुठे कुठे त्रस्त आहे त्याचे सगळे कामाचा मार्गी लावण्याचं काम हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारीसुद्धा कार्यकर्तासुद्धा आणि महाविकास आघाडीसुद्धा त्या कामामध्ये लागलेली आहे ते तर त्याच्यामुळे एन सी पी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए फेस शील्ड सैनिटाइजर मास्क का वितरण समुदाय में जरूरतमंदों को चिकित्सा और और वित्तीय सहायता प्रदान की और कोरोना काल में अपने संरक्षकता खो चुके बच्चों की शिक्षा की लागत के साथ साथ राष्ट्रवादी कल्याण ट्रस्ट द्वारा वहन की गई उनकी जिम्मेदारी सामाजिक संगठनों और राज्य में विभिन्न स्थानों पर एम्बुलेंस का वितरण किया गया भारी बारिश के कारण पार्टी ने चिपलून महापुर में जरूरतमंदों को चिकित्सा और वित्तीय सहायता भी प्रदान की पार्टी ने जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भी प्रदान की राज्य में जिला और तालुका स्तर पर बड़ी संख्या में जम्मू केंद्र स्थापित किए गए हैं ओबीसी भले ही आरक्षण के संबंध में शाही आंकड़े केंद्र सरकार को नहीं दिए गए हैं लेकिन भाजपा जानबूझकर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ प्रचार कर रही है महाविकास आघाड़ी ने यह डेटा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है कैमरा पर्सन सुभाष पुटले के साथ क्षितिजा देशमुख बी न्यूज नागपुर